वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि पासपोर्ट साइज का फोटोज नेम और डेट के साथ में कैसे बनाया जाता है। पासपोर्ट साइज फोटोज से रिलेटेड पिछली वीडियो में डिस्कशन किया जा चुका है, जिसमें बताया गया है कि एमएस वर्ड में पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बनाया जाता है। लेकिन इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एमएस वर्ड में पासपोर्ट साइज का फोटोज नेम और डेट के साथ में कैसे बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो चुका है। उसके बाद में इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पिक्चर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पिक्चर पर क्लिक करेंगे वाले ऑप्शन पर। उसके बाद में दिस डिवाइस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में डेस्कटॉप पर जाएंगे। डेस्कटॉप पर फोटोज रखा हुआ है जिसका जिसका पासपोर्ट साइज फोटोज बनाना है, तो इस फोटो को सिलेक्ट करेंगे। फिर इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। ये फोटो सिलेक्ट है, इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर की तरफ पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना होगा। फिर राइट साइड में यहाँ पर हाइट एंड विड्थ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो हाइट जो पासपोर्ट साइज का फोटो होता है वो 4.5 सेंटीमीटर होता है और विड्थ 3.5 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर पासपोर्ट साइज का जो डायमेंशन वैल्यू है वो पुट कर चुके हैं। उसके बाद में इस फोटो के किनारे किनारे बॉर्डर बनाएंगे। उसके लिए पिक्चर फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पर पिक्चर बॉर्डर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। बॉर्डर का जो कलर रखेंगे वो ब्लैक कलर होगा। उसके बाद में इसका थिकनेस वैल्यू बढ़ा लेंगे, 1.5 रखेंगे। उसके बाद में इंसर्ट पर क्लिक कर ये राइट साइड में टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स का कई स्टाइल ओपन हो रहा है, तो इसमें से कोई भी स्टाइल सिलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। इसमें अपना नाम लिख रहे हैं, संजय कुमार, डेट 24/06/2022। उसके बाद में ये जो टेक्स्ट यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में ये जो नेम लिखा है और डेट लिखा है इसको भी कुछ मॉडिफिकेशन कर लेंगे। इसका जो फॉन्ट रखेंगे वो टाइम्स इन रोमन में रखेंगे, बोल्ड में रखेंगे, साइज थोड़ा छोटा करेंगे, सेंटर अलाइन करेंगे। उसके बाद में ये जो डिस्टेंस गैप दिखाई दे रहा है, स्पेसिंग डिस्टेंस, इसको रिड्यूस कर लेंगे, यहाँ से 0 पर सेट कर लेंगे स्पेसिंग। उसके बाद में ओके पर क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लेंगे। उसके बाद में इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर सेट करना है, तो ये देख रहे हैं कि जब टेक्स्ट बॉक्स को ऊपर नीचे या दाएं बाएं घुमा रहे हैं तो ये फोटो भी दाएं बाएं रोटेट कर रहा है या मूव कर रहा है। तो सबसे पहले फोटो को फिक्स करेंगे, उसके लिए फोटो पर कर्सर क्लिक करेंगे। फिर राइट साइड राइट बटन क्लिक करके यहाँ पर इंसर्ट कैप्शन के नीचे रैप टेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके अंदर में जाकर टाइट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब फोटो इधर उधर नहीं भागेगा जब टेक्स्ट को इस फोटो के नीचे ले आकर सेट करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अब फोटो इधर उधर नहीं भाग रहा है, लेकिन जब टेक्स्ट को यहाँ पर ले आ रहे हैं तो जो भी चीज़ टेक्स्ट में लिखा गया है टेक्स्ट बॉक्स में ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फिर से इस ये जो टेक्स्ट वाला ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स वाला ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में राइट राइट की क्लिक कर माउस का रैप टेक्स्ट के अंदर में जाकर इन लाइन विद टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा है तो इसको फिर से रैप टेक्स्ट के अंदर में जाकर स्क्वायर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में इस बॉक्स को इस फोटो के नीचे ले आएंगे। उसके बाद में ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इस तरीके से सेट कर लेंगे कि ये राइट साइड वाला
ये वाला लाइन है, वहां तक ये प्रॉपरली सेट हो जाए। उसके बाद में जो ये टेक्स्ट बॉक्स है और ये फोटो है, एक्चुअली ये दो पार्ट में है, इसको ग्रुप करेंगे। ग्रुप करने के लिए सबसे पहले टेक्स्ट वाले पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में कंट्रोल के साथ में माउस के लेफ्ट वाले की को दबाएंगे माउस के हेल्प से। तो अब देख रहे हैं कि ये टेक्स्ट वाला पार्ट और जो ये फोटो वाला पार्ट है ऊपर साइड वाला, दोनों सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद में ये जो माउस का राइट की है पर क्लिक करने के बाद में, यहाँ पर नीचे की तरफ देख रहे हैं ग्रुप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे ग्रुप पर जो है माउस के थ्रू कर्सर को ले आते हैं, फिर राइट साइड में ग्रुप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। तो अब देख रहे हैं जो ये टेक्स्ट बॉक्स था और ये फोटो ऊपर वाला पार्ट था, अब दोनों एक हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, इस फोटो को कंट्रोल सी के साथ में कॉपी करेंगे, उसके बाद में कंट्रोल बी के साथ में पेस्ट करेंगे, यहाँ पर राइट साइड में इसको सेट कर लेंगे। उसके बाद में दोनों फोटो को एक साथ में सेलेक्ट करेंगे, फिर से कंट्रोल सी और कंट्रोल बी प्रेस करेंगे, फोटो को राइट साइड में सेट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, चारों फोटो को एक साथ में सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ में, उसके बाद में कंट्रोल सी कंट्रोल बी, फिर फोटो को नीचे की तरफ खिसका देंगे, उसके बाद में फिर से कंट्रोल बी प्रेस करेंगे, फिर से फोटो को नीचे की तरफ खिसका देंगे, और इस तरीके से यहाँ पर इस एमएस वर्ड में सेट कर देंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने सीखा कि एमएस वर्ड में या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पासपोर्ट साइज का फोटोज नेम और डेट के साथ में कैसे बनाया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।